सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। और गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइस, आर्क सर्वाइवल इवोल्व का, आर्क प्राइमल फियर का। सो गाइस, आर्क प्राइमल फियर के पिछले एपिसोड में टायरेनोसोरस रेक्स जो स्केलेटनाइज वाला था उसको टेम करने में हम लोग की बैंड बच गई थी। हमारे डार्क वाले ग्रिफिन जो है ना, एक नहीं दो दो मारे गए यहाँ पे। उसके बाद जाके मैं ये लो लेवल का डार्क ग्रिफिन टेम करके लाया हूँ। और आज के इस एपिसोड में हम लोग वंस अगेन उसको टेम करने की कोशिश करने वाले। वैसे आज का जो एपिसोड है वो शुरू करने से पहले, जो भी नए बंदे होंगे यार चैनल पे, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा, फटाफट से गाइस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में गेमिंग विद एनी के चैनल की लिंक मिल जाएगी, जहाँ पे आर्क की अलग अलग वीडियोस आती रहती है। अभी थोड़ा सा गाइस पॉज वीडियो है, लेकिन 1 तारीख से वापस से आने वाली है कंटिन्यूस। सो उनके चैनल को भी जरूर चेकआउट कर लेना। बाकी अगर आपको आर्क के सर्वर बनाने और अपने दोस्तों के साथ खेलना है ना, नीचे निट्राडो का लिंक है गाइस डिस्क्रिप्शन में। अभी जाके अगर आप वहाँ से सर्वर बनाते हो तो तगड़ा वाला डिस्काउंट मिल रहा है। सो निट्राडो सर्वर को भी जरूर चेकआउट कर लेना। और गाइस, मैंने यहाँ पे एक आर्क मोबाइल और आर्क पीसी का ब्रांड न्यू नया चैनल खोला है। सो गाइस, वहाँ पे ओनली आर्क मोबाइल और ओनली आर्क की वीडियोस आएगी। दोनों चैनल के लिंक आपको कम्युनिटी टैब में भी मिल जाएंगे और शॉर्ट जो हमारी वीडियोस होते हैं उनके कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएंगे। सो वहां से जाके उन दोनों नए चैनल को जरूर चेकआउट कर लेना। और अगर आपको आर्क मोबाइल और आर्क पीसी के वीडियोस देखना पसंद आते हैं तो जाके उन चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चले गाइस, आज का ये वाला जो हमारा एपिसोड है ना गाइस, आर्क प्राइमल द फियर का, वो शुरू कर डालते हैं। और अभी जो है ना गाइस, देखो स्केलेटनाइज वाला टायरेनोसोरस रेक्स पिछले वाले एपिसोड में हम लोग ने ऑलमोस्ट टेम कर लिया था, बट बीच में एक शाइनोन आ गई और उसने भाई यहाँ पे उस स्केलेटनाइज टायरेनोसोरस रेक्स जो ऑलमोस्ट नॉकआउट होने वाला था उसके ऊपर अपना हमला करा और उसकी बैंड बजा डाली। सो इसलिए जो है ना गाइस, आज की इस एपिसोड में हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आजू बाजू भी कोई खतरा है कि नहीं। अगर खतरा हुआ तो उस खतरे को पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद हमारे रेक्स को नॉकआउट करेंगे। सो अभी फिलहाल के लिए मैं जरा सा चेकआउट कर लेता हूँ कि स्केलेटनाइज वाला जो टायरेनोसोरस रेक्स है वो यहाँ पे स्पॉन हुआ है कि नहीं। भाई 1020 लेवल का भाई एक ही स्पॉन हुआ है पूरे मैप पे। अगर ये मारा गया ना गाइस तो हम लोग को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है भाई, ये तो वही लोकेशन नहीं है जहाँ पे, हाँ खतरा तो नहीं है ना, ये वही लोकेशन है जहाँ पे कल भी रेक स्पॉन हुआ था। रीपर वगैरह है और ये शेमड़ा है यहाँ पे बॉस। ठीक है, ये कौन है, डिमोनिक रीपर ना, रुको भाई, रुको रुको रुको, मैं नहीं चाहता हूँ फ्री बर्ड में जो ना गाइस वापस से मेरे स्केलेटनाइज वाले टायरेनोसोरस रेक्स को कोई मार के चला जाए। ऑल राइट, सो इसलिए पहले तो मैं एरिया क्लियर करूँ, पहले पूरा एरिया क्लियर होगा पहले। डिमोनिक वाला वो भी है भाई, सबकी बैंड बजाएगा तेरा भाई। पहले रुको, वेट अ मिनट, वेट अ लिमिट गाइस, यहाँ पे वेट अ लिमिट। वो डाल, काटे डाल, काटे डाल, नाइस वन, जीजी ना, काम 25, पूरा एरिया क्लियर। ऐसा कोई डायनो नहीं बचा है जो भाई उंगली कर सके अभी अपने स्केलेटनाइज वाले टायरेनोसोरस रेक्स को। ऑलराइट, लेट्स गो, चलो आ जाओ भाई, इसके अंदर ट्रैकर डालने दो मुझे, क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा खतरा है तो ट्रैकर की ज़रूरत पड़ेगी। ओके आ जाओ, चलो ये रहा अपना स्केलेटनाइज वाला टायरेनोसोरस रेक्स। इससे भाई सब पिछू पिछू जा जाके इसको मारते रहना है। ठीक है भाई, 23 मिलियन टॉर्प हो रहे, कोई ना, नो प्रॉब्लम। ओह शिट, भाग जा भाग जा, हाँ हाँ बम पे फटका पड़ने वाले तगड़ा वाला। भागो रे भागो, अरे भाग रे ग्रिपिन, हाँ भाग जा 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 भाई। वहाँ पे भाई एक डायनो था, उसको मैंने चेकआउट ही नहीं करा। वहाँ पे एक टेरर बड़े चुप्पू सा, वो बुमबाम कर रहा है उधर ही चुप्पर भाई। मैं उसको ऊपर ही रोके रखता हूँ क्योंकि मैंने भाई ऊपर वाला एरिया और आजू बाजू का एरिया क्लियर करा है। थोड़े से डायनो स्टिल घूम रहे हैं, देखते चलो। और मैंने 8 गोलियां मारी, 8 गोलियों से पता नहीं उसको कितना टॉर्पर चढ़ा होगा अभी तक। मैंने 8 गोलियां तो मारी है उसको भाई, लाते शाते भाई वापस से भाई वो मारना नहीं अपना अटैक। 1 मिलियन अभी जाके भाई इसको टॉर्पर चढ़ा मेरी जान।
वन मिलियन अभी जाके टॉर पर चढ़ा है, कोई कोई सीन नहीं है, कोई सीन नहीं है। बाजे जल्दी नजदीक ना है, भाग ना ग्रिपिन चोमू, मरना है क्या, डर नहीं लगता तेरे को, एक पटके में बैट बजा देगा वो अपनी। भागते रहे भागते रहे भागते रहे, 17 सेकेंड 17 सेकेंड, भागो रे भागो भागो रे भागो भागो रे भागो, भाई से बचते रहे ना, वरना इसने अगर अपना अटैक कर दिया ना तो फिर लग गए समझ लो मेरे, वो भी बहुत गंदे वाले। सो इसलिए मैं कैसे यहाँ पे भागे भागे जा रहा हूँ, उससे बचने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अभी पापा का परा बन के उड़ जाता हूँ, रुको ठीक है। रिपर तेरे को ज़्यादा चुल मच रही है क्या, टायरानोसोरस रेक्स मूवी कर रहा है वो, इनफ नहीं है क्या, शिट लग गया। भाग, अबे तुमको भी अभी आना था क्या, थैंक यू फॉर, ओके ओके, दूर उड़ाने के लिए आपका धन्यवाद। अबे ये रिपर्स को भी चुल मच रही है भाई, काटे शाटे फेंक रहे हैं, तो तुमको तो रिपर में देखूंगा भाई, रुक जाओ, तेरी तो मैं बैंड ना मस्त में की बजाऊंगा बाद में, अभी ना थोड़ा सा बिजी है मैं, अभी उस रेक्स को नॉकआउट करने में बिजी है, तेरी बैंड में बाद में बजाता भाई, रुक जा, रुको जरा सब्र करो, उड़ जा उड़ ना, हाँ ठीक है। 2 मिलियन भाई, मतलब भाई 10% लगभग टॉरपोर चढ़ा दिया हम लोग ने इसको, 10% इसका टॉरपोर इसका चढ़ा दिया इसका भाई, ठीक है भाई, भागे रे, नाइस, ऊपर, हाँ भाई, वेल डन लैंडिंग, वेरी वेरी गुड लैंडिंग भाई, उसको मारे मारे जा रहा हूँ इस, पता है आपको, उसको थप्पड़ दे पप्पड़ मारे, भाग रहा हूँ मैं भाई नीचे बैठ के, अबे भाग, एक और फटका, अबे भाग क्यों नहीं रहा, मरवा के मानेगा रे, लग गए, लगाया था। ए भाई ग्रिफिन कौन, बचे रे, तेरे को बुला रहा हूँ, लगाया था, ज़्यादा ही लाड़ में उसके नज़दीक जा रहा था ना, इसलिए उसने भी भाई चुम्मी दे दी और मेरी बैंड बजा दी डायरेक्टली। कोई ना, उसको तो टॉरपोर चढ़ा के टेम करके रहूँगा मैं, कैसे, रुको, उसको टेम करने के लिए पहले उसका टेमिंग फूड तो बनाया जाए, वेट अ मिनट, ना पहले अपने ग्रिफिन को बचाया जाए, अगर अभी तक जिंदा होगा तो, भाई जिंदा है भाई, मार तो खाया भाई इसने बट जिंदा बचा है, ठीक है रुको, एक काम करता हूँ अभी मैं फटाफट से उसका टेमिंग फूड जो बोन होता है वो बना लेता हूँ। डिमोनिक किबल एंड सिलेस्टियल किबल 5-5 चाहिए, सो डिमोनिक एंड सिलेस्टियल किबल 5-5 चाहिए, बराबर 1 2 3 4 5 एंड ये 5, ठीक है 5-5 डिमोनिक एंड सिलेस्टियल किबल का यहाँ पे बन रहे हैं, बनने दो, जैसे बनते हैं हम लोग उसका बोन बनाते हैं और बोन बना के चलते सीधा गए उसके पास, उस स्केलेटनाइज टायरानोसोरस रेक्स के पास, और उसको टेम करने की कोशिश करते हैं। शायद से मैंने उसको 4 से 5 मिलियन तक का टॉरपोर चढ़ा दिया है, ओके, और ऐसे भाग भाग के और 2-3 बार और मर मर के मैं उसको इजीली शायद से नॉकआउट कर पाऊंगा, देखते हैं चलो अभी क्या होता है। सिलेस्टियल इंडोमेस इंप्रेयर, ए गाइज मैंने अभी तक बॉस टेम नहीं करा गाइज, वो सिलेस्टियल इंडोमेस इंप्रेयर ना, मैंने उसका टेमेबल वर्जन कहाँ पर रखा है, मैंने उस बॉस को अभी तक टीम नहीं कराया गाइज, मे बी मैंने उस बॉस को फेंक दिया है गाइज, रुको ना ये रहा, तो अगले एपिसोड में हम लोग भाई सिलेस्टियल इंडोमेस इंप्रेयर बॉस को टीम करने का काम करेंगे, बेचारों को मार के 4 साल हो गए लेकिन मैंने उसको अभी तक टीम ही नहीं कराया, तो उसको भी टीम कर लूँगा मैं। एक और डिमोनिक किबल बन जाता है वैसे कैसे, हम लोग इसकी बोन मिल बना लेंगे ये वाली, और चलो अभी फटाफट से चलते हैं और उसको नॉकआउट करके टेम करने की कोशिश करती है ना मेरी भाई, ओके ये बोन मिल इधर, ये अपना ग्रिफिन कौन है, इसकी मदद से हम लोग उसको नॉकआउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है देखते चलो वो नॉकआउट आज हो पाता है कि नहीं, होगा गाइज होगा, आज तो नॉकआउट हो गया रहेगा, लोड कर ले भाई गन लोड कर ले भाई तू, यही कहीं पे होगा संभल के, हो रहा संभल के थोड़ा, वहां पे किसी को तो उंगली कर रहा है मेरी, बताएं किसको, 5 मिलियन भी टॉरपोर नहीं चढ़ा है भाई उसका तो अभी तक, ढंग से 5 मिलियन भी अटक गया गाइस, वो अटक गया भाई, यही तो मौका है भाई, अटक गया गाइस वो वहां पे 5.6 मिलियन, अबे निकल गया यार, निकल गया
मैं उसको काफी ज्यादा दूर से मार रहा हूँ तो वो मुझे भाई डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा लग रहा है मैं भी। हाँ और एंडर से बाहर ही गया हो रहा। मैं भी उसको मैं काफी ज्यादा दूर से मार रहा हूँ ना तो वो मुझे भाई वो नहीं कर पा रहा है डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है ये टेक्निक। काश मुझे कल पता होता। नजदीक नहीं जाना भाई पिच्छू पिच्छू निकलते रहो ताकि वो हम लोग को देख ही ना पाए। वो मेरे ऊपर एग्रो ही नहीं हो रहा है गाइस क्योंकि मैं उसको काफी ज्यादा दूर से मार रहा हूँ। उसको मैंने 7 मिलियन तक का टॉरपोर्ट जो है चढ़ा दिया है और लगभग 8 मिलियन आप पकड़ के चल सकते हो। उसके ऊपर ओरिजिन वाले एरो गाइस वर्क नहीं करती है ठीक है इसलिए हम लोग को ये तुड़ुक जाम करना पड़ रहा है भाई ठीक है। अरे बावड़ा बिवड़ा हो जाएगा भाई पेल देगा दूर हटने तो। अबे रेंडर से बाहर चला गया वो लात बित वाला अटैक ना डाल भाई लात बित वाला अटैक ना डाल। भागो दूर भागो दूर भागो दूर भागो दूर भागो दूर भागो भाई। अरे इस तरफ नहीं लेके जाना है क्योंकि यहाँ पे पता है कौन है अवश्य यहाँ पे ना एक वो टेरर बड़े भाई डिमोनिक वाला वो उसकी बैंड बजा सकता है सो मैं इस डायरेक्शन में उसको लेके नहीं जा सकता हूँ भाई। मेरे को भाई पागल कुत्ते ने काटा था क्या उसके भूखे सामने जा रहा है रुको मुझे उसको अपोजिट साइड ही लेना पड़ेगा लेके जाना पड़ेगा। ये देखो ये डिमोनिक टेरर बड़े इसकी बैंड बजा सकता है इसके पास भी भाई ऐसे अटैक्स है कि डिमोनिक टेरर बड़े एक फटके में उड़ जाए बट वो अटैक्स वो करता नहीं है ना थोड़ा सा चमन है भाई। पापा का परा बन के उड़ जा भाई। ओह सेड ठीक है मूवमेंटम में वो तो बच जाऊंगा मूवमेंट था मेरा इसलिए बच गया मैं तो ज्यादा ही नजदीक है। भाग पांड्या भाग। अरे उसके पास उसके तरफ नहीं उसके ऑपोजिट साइड पे भाग रहा है यार क्या कर रहा भाई तू भाग जल्दी भाग जल्दी भाग। अबे 30 सेकंड का और फटका दे दिया उसने जल्दी भाग। ये रिपर भी निकले जाएंगे अभी बाहर। भागो रे भागो ठीक है। रिपर तुम लोग को और कोई काम नहीं कह रहे और कोई काम धंधा नहीं कह रिपर लोग को ये। अबे गोलेम तू भी सब मार कोई तो सिलेस्ट्रियल है केयरफुल थोड़ा सा केयरफुल रहना है। कोई तो सिलेस्ट्रियल है वहाँ पे पता नहीं कौन है बट कोई तो था सिलेस्ट्रियल। भाई 12 मिलियन टॉरपोर चढ़ा दिया है भाई 12 मिलियन चढ़ा दिया है टॉरपोर मैंने उसको 12 मिलियन टॉरपोर चढ़ा दिया भाई मैंने उसको खूब बड़े आराम से 13 मिलियन ऑलमोस्ट चढ़ने वाला है उसको टॉरपोर। उससे जितना ज्यादा दूर रह सकूं उतना ज्यादा दूर रहना है। थ्रोनी ड्रैगन आ गया वहां पे एक थ्रोनी ड्रैगन थोड़ी दिक्कत दे सकता है क्योंकि अगर रेक्स ने अपना अटैक डाला और थ्रोनी ड्रैगन को वो लगा तो वो थ्रोनी ड्रैगन हो जाएगा बावड़ा उसके बाद हो जाएगी बहुत ज्यादा बड़ी वाली प्रॉब्लम हो ठीक है। तो थोड़ा दूरी लेके जा रहा हूँ सबसे 14 मिलियन टॉरपोर चढ़ चुका है गाइस उसको ठीक है। पता नहीं मेरी कितनी बुलेट्स भाई यहाँ पे वेस्ट हुई है 900 बुलेट मैंने बनाई थी अभी मेरे पास भाई 600-500 बुलेट बची है खाली इतनी बुलेट इसके थोबड़े पे अभी तक डाल चुका हूँ। लोड आराम से मैंने ज्यादा किसी भाई खतरनाक से डायनो बिनो के जो है ना कहीं जहाँ पे चंगुल में फंस जाइए और इतनी मेहनत करने के बाद मैं इसको गवा दूँ। नॉट कूल ओके संभल के थोड़ा संभल के
थोड़ा संभल के। अबे जाओ ना। I'm in a big trouble. स्पिरिट वाले डायनो भी है गाइस यहाँ पे। तूफान को भी अभी आना था क्या? या आई थिंक से भी भाग रहा है। मे भी ये भाग रहा है, इसको इतना टॉर्पोर चढ़ा दिया मैंने कि ये भाग रहा है गाइस। 18 मिलियन लगभग 19 मिलियन। अब मैं उड़ नहीं सकता अभी तक क्योंकि इसका इफेक्ट अभी तक गया नहीं है। 19.2 मिलियन गाइस। ऑलराइट लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। Here we go. Come on. क्या तू मेरे पास आ रहा है ब्रो? नहीं नहीं मेरे पास आता तो मैं अभी तक वो अटैक दे चुका होता अपना कोई ना कोई। इसने अभी तक अटैक नहीं दिया मतलब ये अपने ऊपर अटैक नहीं कर रहा है। ठीक है चलो आ जाओ। ये भाग रहा है कैसे भी भाग रहा है बस। और भाई 3 मिलियन तक। ब्रो ब्रो त्रोने भाई त्रोने तो चमाने जा रहा है। आर यू कॉमेडी मी त्रोने ड्रैगन? रुको भाई रुको। इसकी तो मैं भाई क्या फालतू कर रही है। रुको इसकी तो मैं लाड़ में गाइस भाई भाग रहा तो मेरी भाई 15-20 मिनट की मेहनत मिट्टी में मिल गई। निकाल निकाल इसको। चल 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 किधर है वो किधर है वो आराम खोर सॉन इधर मार 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 भस्म कर इसको जला के सार। डिमोनिक है तो क्या भाई इसने मारा क्यों लेकिन उसको? वो भी उस टाइम पे जब वो भाग रहा था कुछ भी नहीं कर रहा था किसी को। आ गया मार के चला गया भाई इसके आगे। मजाक बना रखा भाई मजाक बना रखा है भाई इन लोग ने। क्या करूं मैं यार मैं ना खेल रहा भाई गेम में। भाई चूमू गिरी अलग लेवल पे चलती है इस गेम में। ऑलमोस्ट नॉकआउट था। 3 या 2 मिलियन ओनली टॉर्पोर देना था। 3 या 2 मिलियन उससे ज्यादा देना ही नहीं था टॉर्पोर। 3 या 2 मिलियन का बस ओनली बचा हुआ था टॉर्पोर देना। और उतने में आके ये थ्रोनी ड्रैगन ने अपना बर्निंग अटैक वाला वो अटैक करा और सीधा लग गए भाई अपने और गया वो। अभी ये टेरर बढ़ाई रहा। चलो अभी कुछ तो डेम करना पड़ेगा ना कैसे। खा लिया तो नहीं भाई एंडिंग कर सकते ना वीडियो की। तो इसी को डेम कर लेता हूँ मैं टेरर बढ़वा जाऊँ। क्या बोले भाई सच में गाइस ये गेम ना बहुत ज़्यादा ही चमन है भाई बहुत ही ज़्यादा चमन है। हो जा बेहोश हो जा भाई। डिमोनिक किबल है ना 2 है भाई। चलो आ जाओ भाई मेरे सच में दिमाग का पूरा भाई भरोसा हो गया ये देखने के बाद ना। सच में मेरा दिमाग भाई बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका है बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया है। रुको एक काम कर लेता हूँ मैं फटाफट से घर पे जाता हूँ वो अलग से मारने आ जा भाई। भाई मैं अभी ना तूफान जाने का इंतजार करता हूँ। जैसे तूफान जाएगा हम लोग टेरर बर्ड का सैडल बनाते और उसकी पावर देखते। चलो हाँ जाओ। क्या बोले यार। और गाइज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अपने चैनल को अभी तक करा नहीं होगा। अपना चैनल आपको बताया होगा काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रहा है काफ़ी टाइम से। सो गाइज वीडियो पूरी की पूरी देखने की कोशिश करना और अगर हो सके तो एड्स वगैरह आती है वो भी भाई कंप्लीट देखने की कोशिश करना। एंड सपोर्ट की ज़रूरत है अभी थोड़ी सी आपको तो भाई ज़रूर से करना। अभी मैं तूफान जाने का इंतजार करता हूँ। जैसे तूफान जाएगा हम लोग फटाफट से ये टेरर बर्ड की पावर देखते रुको। A few moments later. चलो गाइस तूफान तो यहाँ पे जा चुका है और अभी मैं फटाफट से टेरर बर्ड का जो सैडल है वो बना लेता हूँ। हाय रे अपनी फूटी किस्मत गाइस। अरे बहुत ज़्यादा ही घटिया किस्मत चल रही है आजकल अपनी भाई क्या बताए यार। भाई अभी भाई अगले एपिसोड में उतनी मेहनत और करनी पड़ेगी। मेहनत छोड़ यार बुलेट्स भाई बुलेट्स और ज़्यादा बनानी पड़ेगी मुझे भाई क्या ही बोले भर भर के बुलेट बनानी पड़ेगी। चलो बुलेट्स वगैरह भी बना लूँगा मैं ऑफलाइन में उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी फटाफट से हमारा जो ये टेरर बर्ड है ना गाइज उस टेरर बर्ड को हम लोग बाहर निकालते हैं और इसकी पावर देखते हैं कि कितना ज़्यादा खतरनाक है भाई टेरर बर्ड। ओके और मेरे घर के बाहर एक प्राइमल वाला रैप्टर भी आया है
उस प्राइमल वाले रैप्टर का जो ना इस गेम भी हम लोग बजा डालेंगे। ठीक है, ये आ गया अपना भाई टेरर बर्ड डिमोनिक वाला। भाई दिखने में जो ना गाइस नॉर्मल टेरर बर्ड की तरह ही भाई आपको दिखाई देगा ये। पहले तो गाइस हम लोग यहाँ पे हमारे इस डिमोनिक वाले टेरर बर्ड की लुक देख लेते हैं। लुक देख सकते हो आप इसके भाई, यहाँ पे पूछ पे, पैर पे और सर पे जो ना गाइस लगी हुई है आग। अभी बात करते हैं इसके अटैक्स की। सो अटैक्स में इसके पास है फाइट वाला अटैक, लेफ्ट क्लिक पे मुंह से फायर छोड़ने वाला अटैक, और इसका फाइनल एंड थर्ड अटैक जो कि है गाइस यहाँ पे सी वाला अटैक, जिसपे जंप करके इस तरीके से अपने अंदर से तीन तीन खतरनाक से डिमोनिक वाले बम के गोले से शोले बाहर निकालता है। सो ये है गाइस हमारे डिमोनिक वाले टेरर बर्ड का अटैक, जो कि काफी तगड़ा वाला बर्निंग डैमेज देता है। वैसे मुझे इसको टेम नहीं करना था, मुझे उस रेक्स को टेम करना था, बट अपनी फूडी किस्मत और रेक्स मिला नहीं हम लोग को, इसलिए इस टेरर बर्ड को टेम करना पड़ रहा है। देखते हैं भाई टेरर बर्ड का डैमेज वगैरह कितना जा रहा है गाइस यहां पे। ठीक है, ये ले पट्ट से हेडशॉट। ओके, और भाई रुक जाओ यहां पे, इसको फटाफट से मैक्स लेवल हम लोग कर लेते हैं। हेल्थ कितनी कर दी है मैंने इसकी, हेल्थ भाई 46 मिलियन। क्या पेना गाइस, हेल्थ 100 कर दूं क्या? हाँ लगभग 100 हो जाएगी अभी जब मैं इसको इम्प्रिंटिंग पोशन खिला दूंगा। ठीक है, और ये रहा भाई इम्प्रिंटिंग पोशन, इसकी हेल्थ जो है गाइस वो हो चुकी है यहाँ पे 100 मिलियन है। ये देखो 109 मिलियन। एंड अभी बात करते हैं इसके अटैक्स की। तो यहाँ पे इसके पास है प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा वाइट अटैक, उसके बाद भाई लेफ्ट क्लिक पे जो अटैक है वो अटैक जो है उसका वो फायर अटैक है। फायर अटैक का जो डैमेज है वो 20,000, इम्पॉसिबल भाई। ठीक है, फायर अटैक छोड़ो, ये शिवाल अटैक है। अरे बाप रे, और कर लो भाई, और थ्रूनी ड्रैगन के मुंह में जा दो भाई। मुझे लगा नहीं था भाई थ्रूनी ड्रैगन भाई यहाँ पे मतलब मारेगा भाई काट वाला अटैक। मैं गया उसके मुंह के पास, उसने सीधा भाई काट वाला अटैक मेरे थोबड़े पे चिपका डाला। भाई यार भाई टेरर बर्ड ना मराओ अभी मेरा। ए रुक जाओ गाइस, मेरा टेरर बर्ड मर गया तो भाई दिक्कत हो जाएगी, उसको बचाना पड़ेगा। रुको, नहीं मरा होगा, मैंने बर्निंग अटैक जो डाला था उसमें जल के सब भस्म हो चुके होंगे गाइस। रुको, सिलेस्टल फिरॉक्स को लेके जाता हूँ मैं फटाफट से। भाई जल के भस्म हो चुके होंगे, 100 मिलियन हेल्थ थी मेरी टेरर बर्ड की, सो वो इतने आसानी से तो मर नहीं पाएगा। अरे पेल डाला भाई, हमारा टेरर बर्ड किसी से कम है के? ये देखो, वैसे इसकी हेल्थ भी डाउन हो चुकी होगी। कितने डाउन हुई है भाई, जरा सी तुसील डाउन हुई है, इसको बर्निंग डैमेज नहीं पड़ा क्या? पता नहीं भाई, शायद से। और इसका फायर अटैक कितना जा रहा है एक बार देखते रहो भाई, 1,77,000 का इसका फायर अटैक होता है। और ये जो इसका बर्निंग डैमेज है ये वाला अटैक जा रहा है 7 लाख का, मतलब 7 लाख का कंटिन्यूस इस आग के अंदर आप लोग को डैमेज पड़ेगा। सो ये हमारा खतरनाक सा डिमोनिक वाला टेरर बर्ड एक पापा का परा। देख रहे हो कैसे उड़ रहा है गाइस, कैसे उड़ रहा है देख रहे हो? हम लोग इसकी मदद से ऐसे ही गाइस जहाँ पे जाना चाहिए वहां पे से उड़ उड़ के जा सकते हैं। इसीलिए देखो इस तरीके से उड़ उड़ के जा सकते हैं, एकदम फुल टू मजे में। ये देखो ऐसे ऐसे आराम से उड़ उड़ के जा सकते हैं भाई। सो रुको रुको रुको, थोड़ा सा एक काम करो, और लगभग 1 मिलियन का डैमेज इसको पड़ा है, और 1 मिलियन का कंटिन्यूस डैमेज खा के बेचारा डिमोनिक वाला मोरेले टॉप्स भी मरा है। अभी गाइस ये जो हमारा यहाँ पे ये क्योस रेक्स हमारे बेस के कुछ ज्यादा ही नजदीक आ रहा है, और यहाँ पे एक सिलेस्ट्रियल वाला रेक्स भी है। गाइस मैं तो सोच रहा हूँ, मुझे लग रहा है मेरे किस्मत में ना और एक्स को टेम करना लिखा ही नहीं है। मैं जाके अगले एपिसोड में ना सिलेस्ट्रियल वाला रेक्स ही चुपचाप से टेम करता हूँ, क्योंस वाले की बैंड बजा दूँ। अरे 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 गल गल बेटा गल, क्योंस रेक्स भाई, क्योंस रेक्स बनेगा भाई। भाई मेरा बर्निंग डैमेज जो है ना गाइस जिस टेरर बर्ड का वो काफी ज्यादा तगड़ा वाला है। मैं तो सोच रहा हूँ
फ्यूचर में आने वाली जो बॉस फाइट अगर कोई होगी तो उसमें एक बॉस फाइट में हमारे टेरर बर्ड को चांस दिया जाए बॉस से फाइट करने का, फिर हम लोग देखेंगे हमारे टेरर बर्ड के पास कौन सी की और कितनी पावर है। कौन सी पावर है तो वो तो हमको पता है, बट उसका बर्निंग डैमेज कितना ज्यादा पावरफुल है वो हम लोग जो ना कहते उस बॉस फाइट वाले भाई वीडियो में देख लेंगे। देखते हैं आगे की जो भी बॉस फाइट होगी ना उसमें हम लोग टेरर बर्ड को उतारेंगे और उसका ये शिवाल अटैक। कितनी लंबी आग लगाई देखना, उसने लाइन से आग लगा डाली लाइन से। ठीक है ये देखो यहां से लेके यहां तक आग लगी पड़ी है। ठीक है मतलब शिवाले मेरे अटैक में ना तीन में आग के गोले छोड़ता हूँ, मतलब तीन बार अपना स्पेशल अटैक करता हूँ, और अगर वो अटैक करते करते मैं मूवमेंट करूँ तो वो अटैक ऐसे लाइट से गिर जाएगा, इस तरीके से वो अटैक लाइन से गिर जाएगा और हम लोग काफी ज्यादा लंबी दूरी तक जो है ना इस अटैक को ऐसे लाइन से गिरा पाएंगे। तो ये वाले अटैक से जो है ना कि हम लोग बॉस को शायद से मार सकते, तो इसलिए मैं जो ना कि आने वाली जो बॉस फाइट होगी उसमें इस डिमोनिक वाले टेरर बर्ड को जरूर से चांस दूंगा और देखूंगा कि डिमोनिक वाले टेरर बर्ड बॉस की पुंगी बजा पाता है कि नहीं। बाकी तो आज का वापस से भाई हमारा टेमिंग जो है उस टायरेनोसॉरस रिक्स को करने का, टेम करने का जो हमारा सपना है वो अधूरा ही रह जाता है, बट अगले एपिसोड में मैं वापस से कोशिश करूंगा और इस बार ना आजू बाजू का पूरा एरिया भाई क्लियर करूंगा पहले मैं। ठीक है बाकी तो आज का ये वाला एपिसोड प्राइमल फेयर का एपी खत्म हो जाता है। अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, और जो नए हमारे आर्क मोबाइल और आर्क पीसी के चैनल है उनको भी जरूर चेकआउट कर लेना। जो हमारे नए चैनल्स है उनकी लिंक आपको कम्युनिटी टैब में और शॉर्ट वीडियो में फर्स्ट और सेकंड शॉर्ट के कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी तो आज का ये वाला एपिसोड नंबर 1 ये पे खत्म होता है, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गाइस सी यू लेटर, टाटा बाय, गुड बाय, मेरे बालक, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, बाय गाइस।